उधर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लगने वाली आग पर 7.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानब से कूलिंग का अमल जारी है। पाक बहरिया की जानब से भी चिल्ड्रन अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के अमल में मुआवनत की गई है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे अली चौधरी से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लगने वाली आग पर 7.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। पाक बहरिया की जानिब से भी चिल्ड्रन अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के अमल में मुआवनत की गई है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लगने वाली आग पर 7.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। अली चौधरी से रابطہ बहाल हुआ है। जी अली, अपडेट कीजिएगा, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? ये लाहौर का चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ पे 5:10 पर जो है आसिफ जद्दी की कॉल रेस्क्यू को मौसूल हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंच कर देखा तो ये आग जो है ये अस्पताल की मेडिकल सेक्शन में जहाँ पे मेडिकल है वहां पर लगी थी। इसके बाद जो है रेस्क्यू काम की जाने से ऑपरेशन शुरू किया गया और क्या 12 बजे आग पर काबू पाया गया। तकरीबन 7.5 घंटे की ये जो है एक मशक की गई, जिसके बाद जो है आग पर काबू अभी पा लिया गया है, जिसके बाद जो है कूलिंग का अमल भी इस वक्त जो है वो जारी है अस्पताल में। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि वाटर बबल्स की जो है बड़ी टीमें यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने अस्पताल में आग पर काबू पाया कि जहां बाग होने की इतला मौसूल नहीं हुई, जबकि उसके साथ साथ जो है पाक बहरिया की टीमों ने भी जो है वो इसमें हिस्सा लिया है। तर्जुमान के मुताबिक खसूसी टीमें भी भेजी गई थी आग पर काबू पाने के लिए। 7.5 घंटे की ये मुकम्मल जो है ये एक तगड़ों के बाद जो है रेस्क्यू काम ने इसके साथ साथ दीगर जो है सिक्योरिटी हुकाम की जानब से ये कोशिश की गई, उसके बाद जो है अब ये आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पाकर कूलिंग के अमल को शुरू कर दिया गया है। जी अली चौधरी अपडेट कर रहे थे।